आज के बाद शकल मत दिखा दे दोई के दोई। अरे तो पापा घर से कौन निकाल रहे हैं? मत देख शकल कौन गिरा देगी। चुप करो। केकरा के मुड़े देख कितने पटर 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 गिर बोले। और एक तुमने नाक कटा के रखी। सब बोल दो भाई। या तो तुम्हें पूरी इंग्लिश आएगी या मेरी ज्यादा जमाई के नाम जाएगी। अरे पापा तुम्हें पता नहीं है क्या चीज है हम? अपने दोस्तों के अजीज हैं हम। जितनी तेज पटरी पे ट्रेन नहीं जावे बात तेज हमें अंग्रेजी आवे। बेटा हमें तुम्हारे बाप हमारे का अच्छे से पता तुम दोजन की हो बाप। संतोष मैं बता रहा कितना इंग्लिश ने बिल्कुल जिंदगी अथू कर दी। बिल्कुल क्या कर दी अथू? व्हाट हैपेंड ब्रो? व्हाई आर यू डूइंग दिस अथू? मतलब इंग्लिश। हाँ इंग्लिश। अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए। पकड़ ही जा रहा यार। मतलब इंग्लिश। हाँ इंग्लिश। चल तो पकड़ जरा थपाड़ा मारूं। पकड़ पकड़ मतलब हमारे सब बेइज्जती कर रहा है हमारी यार। बेइज्जती आज के बाद देख मत जी इंग्लिश बोल रहा है संतोष। मैं बता रहा संतोष तो ऐसी इंग्लिश सीखूंगा मैं। तू बस बता दे मुझे कोचिंग कहाँ है। चल ऐसी गाली सीखनो इंग्लिश में ऐसी गाली सीखनो सुनने वाले कान में खून नहीं निकल जाने। संतोष तो कही प्रमोद है इतनी गन्ना गाली सीखू बिल्कुल आज। अरे मरे हो का भी कुचला कुचलू जा पापड़ के माथे कसान कसान भाई मुझे आगे तक छोड़ दो। संतोष एक शेर आ रहा। अरे गोबर आदमी बोलवे वारो शेर आ रहा खावे वारो नहीं आ रहा। हुआ जो दिल पे सितम तो क्या कीजिए। वाह 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 वाह। हुआ जो दिल पे सितम तो क्या कीजिए अगर आप काले हैं तो फेयर एंड लवली ट्राई कीजिए। वाह वाह बिल्कुल मैं खोली दंगा। जंग छोड़ दो मैं थैंक यू भैया। थैंक यू बिल्कुल दौलत राम ट्रंप बनो जा रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप हो गए। अच्छा मतलब अब तुम हमसे बड़े अंतर्यामी हो। हमारी इंग्लिश बता रहे हैं। क्यों रहे हो भैया मैंने क्या किया? थैंक यू बोल रहा। धन्यवाद नहीं। संतोष देख जो कर लिखो फर 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 इंग्लिश क्लासेस। संतोष हो ना हो जी सर अपनी नैया पार लगा गेट खटखटा अकेले बुला कर सबके सामने बेइज्जती हो जाए। खुले रहे? अरे खुले गए। क्या चाहिए तुम दोनों? सर 1 लीटर जूस दे दो इंग्लिश को। जा जूस की दुकान दिख रही। तो भाई तो हम कह रहे हैं सर जगह जूस की दुकान है। पच्चीस दे दो सीख जाओ। ले सका झर से कहा चलो अंदर। हमारे कहने अब टाइम कम हम बहुत ज्यादा बिजी आदमी। अब टाइम होगा हमारे गई मैया तैसोते बांध। तो सर जल्दी सिखा दो जरा। बेटा देखो इंग्लिश सीखने में कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करो गर्दन टेढ़ी करो और हर शब्द में लगाना है एस। जैसे ब्रदर सिस्टर्स मदर्स। जैसे कुछ शब्दों में ing लगाना है जैसे जाइंग खाइंग सोइंग। समझ गए ना?
बिल्कुल समझ गई। सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी लगा लेना, जैसे कोल्ड सोल्ड बोर्ड कुछ भी लगा लेना, सीख गए ना दोनों अब इंग्लिश? सर मान के चलो हमारे गांव में एक भाई नमकीन को पैकेट लेके भगी जा रहे, सर उसको इंग्लिश में क्या कहें? द भाई कुड सोल्ड बोर्ड लाइक दैट बेटर बिटवीन टू बेटर सब विथ नमकीन। पर एक बात ध्यान में रखना, गर्दन सीधी नहीं होना चाहिए, समझे? सीख गए सर, एवरीथिंग सीख गए। सीख गए ना दोनों, चलो फटाक से फीस निकालो। सर we don't have monies, we have only thappadeng, do you want thappadeng? Hello popping, popping bahar niklo, popping hello popping 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 laga rakho popping popping hai kai english mein papa ko popping bolte hain। पॉपिंग मतलब पापा, पापा मतलब पॉप है। संतोष गर्दन टेढ़ी करो संतोष। ओके ब्रो। इंग्लिश गड़बड़ हो जाती है बिना गर्दन टेढ़ी करे। देखो पापा आज के बाद मुझसे हिंदी में बात मत कर देना, मुझे बहुत जम के इंग्लिश आ रही, मैं कहा इतनी जोर से इंग्लिश आ रही, मैं बटन नहीं था मुझे कंट्रोल नहीं हो रही, इतनी जोर से इंग्लिश आ रही मेरे। अरे पगलो जब इतनी जोर से इंग्लिश आ रही तो अंदर चल के बोलियो ना कि पूरी धैंक उठा दोगे, मेहमान आएगा अंदर उनके सामने बोलियो मेरी भी छाती चौड़ी हो जाएगी। वो तो वैसे ही कंट्रोल नहीं हो रही पापा। संतोष गर्दन टेढ़ी। नमस्ते नमस्ते। ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनको हिंदी बिल्कुल आती नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश से बात करते हैं, थोड़ी बस समझ में आती है, मैं इंग्लिश तो लपक के आती हूँ। बहुत जोर की इंग्लिश आ रही मुझे, कंट्रोल नहीं हो रही, मुझसे कुछ पूछिए। तो बेटे क्या पसंद है तुम्हें? बी लाइक 5 रुपए की संतरे वाली कुल्फी, यू नो कुल्फी? कुल्फी या तुम्हारी इंग्लिश तो हमको समझ में आ नहीं रही। हमारा लड़का है टीचर इंग्लिश का, वो आता होगा जरा। लोगो आ गए।